गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। लास्ट टॉपिक में, पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सेंटर लेथ, सॉरी, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सेंटर लेथ सॉरी We were discussing about center lathe, turret lathe, and capstan lathe. ठीक है, हम ये तीन टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें सेंटर लेथ और कैप्स्टन लेथ का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। ये जो सामने मैंने इमेज आपके सामने रखी है, दिस इज द इमेज ऑफ अ कैप्स्टन लेथ। हमको पढ़ना है कैप्स्टन लेथ क्या होता है। ठीक है, तो ये जो सामने आपको मशीन नजर आ रही है, दिस इज कैप्स्टन लेथ। ठीक है, इसमें भी देखिए, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है ज्यादा टरेट लेथ में। इसमें भी हेक्सागनल आप ये देख रहे हैं, हेक्सागनल इसमें टरेट लगा हुआ है। इसमें भी टेल स्टॉक मौजूद नहीं है। ठीक है, इसमें भी टेल स्टॉक, जैसे टरेट लेथ में टेल स्टॉक को हटा करके टरेट लगा दिया जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी टेल स्टॉक को हटा करके एक टरेट लगा दिया जाता है जिसमें मल्टीपल टूल को फिक्स किया जाता है जो कि कटिंग ऑपरेशन में काम आता है। तो फिर अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टरेट लेथ एंड कैप्स्टन लेथ। तो जो सबसे पहला मेजर डिफरेंस है टरेट लेथ और कैप्स्टन लेथ में, वो ये है कि ये जो टरेट कैप्स्टन में लगा हुआ है वो एक रैम के ऊपर लगा हुआ होता है। ये जो दिख रहा है आपको एक्सटेंडेड पोर्शन, दिस इज रैम, और ये जो रैम होता है ये सेडल के ऊपर लगा हुआ होता है। ठीक है, टरेट जो है रैम के ऊपर होता है और रैम जो है सेडल के ऊपर होता है। मगर टरेट लेथ के केस में क्या होता है, टरेट डायरेक्टली सेडल के ऊपर लगा हुआ होता है। यहां पर टरेट लेथ के केस में ये रैम मौजूद नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये फर्स्ट डिफरेंस है जो आपको कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे दिखेगा कि क्या दिखेगा। जैसे मैंने बताया आपको कि कैप्स्टन लेथ में रैम के ऊपर टरेट लगा हुआ होता है और रैम जो है सेडल के ऊपर होता है। ठीक है, यानी सेडल और टरेट के बीच में रैम है, मगर टरेट लेथ में रैम मौजूद नहीं होता है। ये जो टरेट है वो डायरेक्टली जो है अपने सेडल के ऊपर में लगा हुआ होता है। ये फर्स्ट मेजर डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस आप जो देखेंगे, कैप्स्टन लेथ जो होता है वो छोटा सा होता है। इन साइज इट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द टरेट लेथ। टरेट लेथ के कंपैरिजन में जो कैप्स्टन लेथ होता है वो हमारा काफी छोटा होता है। ठीक है, तो उसके कारण, इसके साइज छोटी होने के कारण क्या होता है कि इसमें हम हैवी वर्क, कैप्स्टन लेथ में हैवी वर्क नहीं कर पाते। हैवी वर्क मतलब बड़ा बड़ा काम हम नहीं कर पाते। और साथ ही साथ आप इसमें देखिए कि ये, क्योंकि ये जो टरेट है वो रैम के ऊपर लगा हुआ है, तो जितने दूर रैम जाएगा उतने दूर ही ये टरेट जो है कैप्स्टन के केस में मूव कर सकता है। ठीक है, क्या हो रहा है, जहां अगर मैं रैम को आगे पीछे करूं तो जहां तक ये टरेट है ये इसी के ऊपर मूव करता है, सैडल के ऊपर नहीं, जबकि सैडल का मूवमेंट जो है टरेट रैम से ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, इसको, इस मूवमेंट को जो ऐसा ऐसा मूवमेंट होता है इसको लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट कहते हैं। इस लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट में मूवमेंट जो है कैप्स्टन लेथ में कम होता है जबकि टरेट लेथ में ज्यादा होता है। उसका कारण क्या है कि क्योंकि जितना रैम जो है लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ज्यादा नहीं देता। ठीक है, इसीलिए इसमें हैवी वर्क हम नहीं कर पाते। ठीक है, सेकेंड चीज, थर्ड डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि ये जो अपना कैप्स्टन है ये काफी छोटा है साइज में, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो नॉन रिजिड होता है। ठीक है, नॉन रिजिड होता है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, इसमें हैवी कट का ऑपरेशन करना मुश्किल होता है। जिसमें ज्यादा गहराई से अगर हमको कट करना है किसी वर्क पीस के ऊपर, तो कैप्स्टन लेथ में वो चीज कम हो पाती है। इसी के कंपैरिजन में अगर टरेट लेथ की बात करें तो टरेट लेथ में वो चीज ज्यादा हो पाती है। बाकी सारा कंस्ट्रक्शन सेम है ना, ये हेड स्ट्रॉक मौजूद है, यहाँ पर ये स्पीड गियर है,
और यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर ये टूल पोस्ट लगा हुआ है, टूल पोस्ट के साथ में ये कैरिएज लगा हुआ है जिसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। इस कैरिएज से हम इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ये हैंडल दिया हुआ है, इस हैंडल से हम इसको आगे पीछे, रैम को हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। सेम कंस्ट्रक्शन है, टरेट के जैसा ही कंस्ट्रक्शन है, बट डिफरेंस यहाँ पर रैम का आ जाता है और ऑपरेशन का आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस लिखना चाहें तो क्या क्या डिफरेंस होगा, 1 मिनट। चलिए डिफरेंस लिखते हैं। डिफरेंस बिटवीन टरेट एंड कैपस्टन लेथ, ये भी क्वेश्चन आता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसको अपने को आंसरिंग करनी है इसकी। तो सबसे पहला डिफरेंस मैंने क्या बताया, यहां लिख लेते हैं टरेट, यहां लिख लेते हैं कैपस्टन। तो सबसे पहला डिफरेंस है हमारा टरेट लेथ हैज द टूल हेड माउंटेड ऑन अ सेडल, ठीक है, डायरेक्टली ऑन द सेडल है ना, स्लाइडिंग डायरेक्टली ऑन द बेड। ठीक है, वही कैप्स्टन में क्या होगा, इन कैप्स्टन लेथ इन कैप्स्टन लेथ टरेट इज माउंटेड ऑन अ रैम कैरिड अपॉन द सैडल बोल्टेड इंटू दी बेड ऑफ लेथ। ये पहला डिफरेंस जो मैंने आपको बताया। ठीक है, दूसरा डिफरेंस, डिफरेंस नंबर टू, इट इज सूटेबल फॉर लॉन्ग एंड हैवी ड्यूटी वर्क। ठीक है, कौन, टरेट लेथ, जबकि कैपस्टन लेथ के केस में क्या है, इट हैव शॉर्ट स्ट्रोक ऑफ द टूल हेड। ठीक है, इसमें क्या है, ये सुटेबल, इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग एंड हैवी ड्यूटी वर्क, क्यों, क्योंकि द लॉन्गिट्यूडनल, जो थर्ड डिफरेंस है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ सैडल इज ऑन एंटायर बेड ऑफ द
लेथ, जबकि इस केस में क्या होता है, डी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ डी रैम इज रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, फिर और डिफरेंस, और क्या इस डिफरेंस के बारे में हमने डिस्कशन किया, डिफरेंस नंबर फोर। डिफरेंस नंबर फोर क्या बता रहा है, कैपेसिटी, है ना। अच्छा एक चीज और, कि जैसे मैंने बताया कि क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रैम से बना हो, रैम जो है मूवमेंट कर रहा है, ये रैम आना जाना कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या ज्यादा डिस्टेंस से ट्रेवल नहीं कर पाता, इसकी वजह से इसका एक बेनिफिट ये हो जाता है, कैप्स्टन लेथ में जो स्पीड ऑफ द वर्क है वो ज्यादा रहती है टरेट लेथ के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस आप लिख सकते हैं यहां पर, स्पीड ऑफ वर्किंग इन टरेट लेथ इज लेस देन कैप्स्टन लेथ। वहीं पर इसमें लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ वर्किंग इन कैप्स्टन इज मोर देन टरेट लेथ। ठीक है, ये तो जो डिफरेंस मैंने बताए, ठीक है, नेक्स्ट और क्या लिख सकते हैं, फिफ्थ, इट हैज रिजिड बॉडी, ये भी मैंने बताया आपको, रिजिड बॉडी, सो इट इज सूटेबल फॉर हैवी कट, जबकि कैप्स्टन के लेथ में इट हैज नॉन रिजिड बॉडी, सो अनस्यूटेबल फॉर हैवी कट। ठीक है, तो ये पांच डिफरेंस हो गए, मैंने नीचे बार फीडिंग मैकेनिज्म का भी एक नोट्स बनाना है जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो अपन यहीं पे खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो पांच डिफरेंसेस हो गए आपके, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इस हिसाब से भी अपने को प्रिपरेशन करना है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ पॉइंट अपन ले लेते हैं, इट हैज अ कैपेसिटी टू वर्क अप टू 200 mm डाया टू 1500 mm। ठीक है, इसमें है इट्स कैपेसिटी इज लिमिटेड अप टू 300 mm, 300 mm से ज्यादा में ये काम नहीं कर सकता है। सेवेंथ डिफरेंस देखते हैं, टरेट एंड डेड स्टॉप्स ऑन टरेट लेथ have to be indexed
एंड पोजिशंड बाई हैंड, यानी जो टरेट में जो टरेट को हमको बार बार हाथों से घुमाना पड़ता है और उसकी इंडेक्सिंग करनी पड़ती है, मतलब टूल चेंज करना पड़ता है, ठीक है, जबकि कैपस्टन में मैनुअल इंडेक्सिंग इज डिफिकल्ट इन कैपस्टन लेथ, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो भी मैंने रखा है आप लोगों को, मैं दिखाती हूं ताकि आपको डिफरेंस पता चले। ये है, ये देखिए, ये कैपस्टन लेथ है, ठीक है, ये कैपस्टन लेथ है, यहाँ पर ये मैकेनिज्म देख रहे हैं, फॉरवर्ड गियर है, फीड मूवमेंट्स के बारे में दिखा रहा है, फीड मूवमेंट्स ऑफ क्रॉस स्लाइड, ये क्रॉस स्लाइड है आपका, आगे पीछे ये घूम रहा है और इसको आगे पीछे मूव कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो अपने पास में कैपस्टन लेथ है, इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए ये लीवर दिया हुआ है और एक इस तरफ में भी लीवर दिया हुआ है ना, इन दोनों लीवर का इस्तेमाल करके हम कैरिएज को आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। यहाँ पर अभी इसको इसको ऑन किया था, पीछे किया था तो ये पीछे जा रहा था, अभी देखिए आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, फॉरवर्ड मूवमेंट दिया हुआ है ना इसमें, इस वाले कैपस्टन में, ठीक है। अभी पीछे से ऑपरेट कर रहा था, ये ऑपरेटर है, ये स्पीड है, ये स्पीड गियर स्पीड चेंज होता है ना, तीन स्पीड अवेलेबल है यहाँ पर, इसने स्लो कर दिया इसको, तो देखिए स्पीड हो गया कम, धीरे 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 घूम रहा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया यहाँ से, इस तरफ करने से थोड़ा और तेज हो रहा है, अब जब इस तरफ पूरा करेगा ना तो ये पूरा का पूरा एक मैक्सिमम स्पीड में आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक फर्स्ट सेकेंड ये कम है और ये सबसे तेज, तीन स्पीड मूवमेंट है इस वाले कैपस्टन, ठीक है। और यहां से फॉरवर्ड और रिवर्स अपन कर सकते हैं, जो कि यहां पर भी इस कोने में भी एक लीवर मौजूद है अपने पास में, ठीक है, यहां से ये है एक लीवर, ओके। अब इसको यहाँ पे मूव करके ये हमारे पास देखिए टरेट है, ये अंकल जी हटे, ये देखिए ये रैम है, ये हमारा सैडल है, इस सैडल के ऊपर रैम जो है मूव करता है, और इस वाले में ऑटोमेटिक दिया हुआ है, तो इसने ये वाली गियर को जैसे ही ऑन किया तो ये टरेट जो है ऑटोमेटिकली घूमना शुरू कर दिया और बैक जो आपका रैम है वो पीछे आना शुरू कर दिया, ठीक है। रैम जो है आपके सैडल के ऊपर में मूवमेंट कर रहा है, ठीक, आगे पीछे मूवमेंट कर रहा है, या इस वाले स्विच से इसने इस कैरिएज के फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है ये, और इस वाले लीवर से इस रैम के फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब देखिए पहले पीछे लेके आए, अब आगे लेके जा रहे हैं, यहाँ पे गियर लगाया उसने चेंज किया तो यहाँ पर ये अब आगे लेकर जा रहे हैं उसको, ये रैम है ना, और ये जो है ये टरेट है, और ये नीचे वाला पार्ट कहलाता है सैडल। देखिए सैडल स्थिर है, सैडल के ऊपर में रैम जो है आगे आगे धीरे 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 बढ़ रहा है, और यहाँ मशीन चालू है, ये हमारा स्पिंडल है, चक है ना, ये हमारा हेड स्टॉक है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है, इसमें भी तीन स्पीड है, इसकी भी स्पीड को यहां से कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग, कितना आगे बढ़ेगा कितना नहीं, धीरे धीरे देखिए अभी एकदम स्लो मूवमेंट हो गया, पीछे जा रहा है अभी ये, फिर स्पीड चेंज किए तो ये थोड़ी तेजी से जाने लग गया पीछे, तो यही है, इसमें ऑटोमेटिक टूल चेंजर लगा हुआ है, ये देखिए अपने आप ये टरेट घूम रहा है, अब ये टरेट एम्प्टी है ना, यहाँ पे कोई टूल नहीं फिक्स किया गया है, ये अपने आप, ये यहाँ पे भी देखिए कोई जॉब नहीं लगा हुआ है, सिर्फ आपको ऑपरेशनल के लिए वीडियो मैंने लिया है यूट्यूब से, ठीक है, ये अपने आप घूम करके टूल चेंज कर लेगा। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने रखा था आप लोगों के लिए, जिसमें आपको कैपस्टन और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो यहां तक आपको टरेट और कैपस्टन कर तीनों प्रकार के लेथ मैंने पढ़ा दिए।
इसमें डिफरेंसेस आपको सेंटर लेथ और टरेट लेथ के बीच में, टरेट लेथ और कैप्स्टन लेथ के बीच में, और कई बार क्वेश्चन में तीनों लेथ के बीच में भी पूछता है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे, इनके अपने नोट्स आप बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट इज अबाउट बार फीडिंग मैकेनिज्म। ठीक है, ये डायग्राम देख रहे हैं आप, इसको बनाना है आपको बार फीडिंग मैकेनिज्म। अब बार फीडिंग मैकेनिज्म क्या होता है, ये कहाँ से नया टॉपिक आ गया, है ना? तो सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन यहाँ से आता है कि क्या होता है कि अब देखा हम लोगों ने कि तेल स्टॉक को टरेट और कैप्स्टन लेथ में पूरी तरीके से निकाल दिया गया है, उनके जगह पे टरेट लेथ को बना दिया गया। तो हमने बोला कि टरेट लेथ में जो रहता है वो हैवी ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए यूज कर सकते हैं, यानी लंबे काम के लिए चल सकता है, जबकि जो हमारा कैप्स्टन लेथ रहता है वो लाइट ड्यूटी के लिए एप्लीकेबल रहता है। तो अब अगर जैसे मान लीजिए कोई बार है किसी ऑपरेशन में, हमको किसी ऑपरेशन को हमको कंटिन्यूस प्रोडक्शन करना है। देखिए, एक चीज हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि टरेट और कैप्स्टन, ये दोनों का इस्तेमाल जो है मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है ना? मतलब तादाद में क्वांटिटी ज्यादा होती है, काफी तादाद में जब हमको उत्पादन करना होता है तब हम टरेट और कैप्स्टन लेथ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जब हमको कोई चीज बहुत ज्यादा तादाद में बनानी होती है तो हमको जो टाइम कंजप्शन है, एक प्रोडक्ट को बनने वाला जो टाइम है उसको हमको कम से कम लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेशन हो, क्योंकि अगर कोई भी काम अगर मैनुअल प्रोसेस से होता है तो वो टाइम ज्यादा लेता है। ठीक है, टूल चेंज करना हो, वर्क पीस चेंज करना हो, ठीक है, या फिर अपने को फिनिशिंग ऑपरेशन करना हो, कोई भी ऑपरेशन करने में अगर वो मैनुअल होता है तो ज्यादा टाइम लगाता है। ठीक है, इसीलिए धीरे 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 करके क्या हुआ कि टरेट अपने अपन ने सेंटर लेथ को मॉडिफाई करते गए और अपने हिसाब से उसको चेंज करते गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बार फीडिंग मैकेनिज्म हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बार फीडिंग मतलब आपको समझ में आ रहा है, बार यानी लोहे का छड़। ठीक है, उसको कैसे फीडिंग मतलब हम कैसे वर्क पीस को, वो हमारा बार है जो छोटे छोटे जॉब्स में हम उसको कट करते हैं, है ना? अगर हमको कट करने में टाइम ज्यादा लग रहा है तो हम क्या करें कि ऑपरेशन करके उसको कट करते जाए, मतलब जितना हमको उसमें क्या क्या जो जो काम चाहिए वो हम उसमें उतने दूर में कर लें डायमेंशन के हिसाब से और वो अपने ऑटोमेटिकली कट हो जाए, तो हमारे पास में ऑपरेशनल समय जो रहता है कटिंग करने का वो बच जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, मैं इसको और अच्छे से अभी आपको डायग्राम में समझाती हूँ, समझ में नहीं आया होगा। ये है हमारे पास में डायग्राम, आप सबसे पहले देख लीजिए, ए जो ए पार्ट जो ये लिखा हुआ है, दिस इज रोटेटिंग स्लीव, बी जो है हमारा स्पिंडल है, सी जो है हेड स्टॉक है, डी जो है गाइड बार है, ठीक है, ई जो है पुले है, ये पुले लगा हुआ है, और एफ वाला जो पार्ट है वो स्टैंड है। अब देखिए, ये हेड स्टॉक का पार्ट है ना? अब ये हेड स्टॉक से हम क्या करते हैं, बार फीडिंग, बार मतलब लोहे की छड़, जो काफी लंबी होती है, आप लोगों ने देखा है घर में जो लोहे का छड़ इस्तेमाल होता है, वैसे ही यहाँ पर भी मशीन में भी छोटे छोटे पार्ट, जैसे हमको खीले बनाने हैं, नट बनाना है, बोल्ट बनाना है, अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे सामान बनाने के लिए हमको बार की जरूरत पड़ती है, काफी लंबा लंबा बार होता है, तो उसको बार बार कट ना करना पड़े, तो इसलिए क्या करते हैं, उसको एक साथ इस मशीन में डाल दिया जाता है। तो उस मशीन का जो हेड स्टॉक होता है वो अंदर से खोखला होता है स्पिंडल के ऊपर में। ठीक है, यहाँ पे स्पिंडल है, यहाँ पर ये स्पिंडल मौजूद है, ठीक है, ये स्पिंडल मौजूद है, इस स्पिंडल के अंदर से हम बार को पीछे की तरफ से हम फीड देते हैं और ये आगे बढ़ता जाता है, और इसको पकड़ने का काम कौन करता है, ये रोटेटिंग स्लीव, ये रोटेटिंग स्लीव जो रहती है इसको गोल घुमा करके गोल घुमाने का काम करती है। ठीक है, इसका ये जो मोमेंट है ये आगे पीछे हम कर सकते हैं। ओके, और इसको सपोर्ट करने का काम कौन करता है, इस रॉड को सपोर्ट करने का काम कौन करता है, ये नीचे वाला, इसको क्या कहते हैं, गाइड बार, है ना? और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बार जो है हमारा आगे हो, है ना, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर पुले लगाना पड़ता है। तो जैसे ही इसको जब इतना मान लीजिए इतने लंबे बार में कोई ऑपरेशन हो रहा है, मान लीजिए इस तरह का कोई थ्रेड कटिंग कर रहे हैं हम लोग इसमें, है ना, इस तरह का अगर मैंने कोई थ्रेड कटिंग कर दिया, यहाँ तक ऑपरेशन हो गया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कट हो जाएगा। अब इसको आगे ढकेलना है अपने को ताकि बाकी अंदर में जितना बार मौजूद है उसका ऑपरेशन हो। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये स्लीव लगा हुआ होता है, जैसे यहाँ पे कट होता है ना, तो ये जो है अपना क्या कहते हैं इसको रोटेटिंग स्लीव, ये घूम जाता है और आगे की तरफ से खींचता है और ये स्लीव जो है उसको बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, इसका ऑपरेशन मैं आपको अच्छे दिखाती हूँ,
हाँ, ये वर्किंग ऑफ अ कैपस्टन लेथ अभी इसमें चल ही रहा है, बार फीडिंग मैकेनिज्म में जाते हैं। ये मैंने एक वीडियो छोटा सा आप लोग के लिए सेव करके रखा हुआ था ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ये देखिए, ये बार फीडिंग मैकेनिज्म है, मेरे बताने से ज्यादा आपको ज्यादा अच्छे तरीके देखने समझ में। ये देखिए, यहाँ पे कूलेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके नीचे में यहाँ पर एक छोटा सा जॉग है जिसको ठंडा करने का काम ये कूलेंट कर रहा है, साथ में वर्क पीस को भी। ये देखिए, यहाँ पे इतना ऑपरेशन हो गया है ना, ये देखिए ये ऑपरेशन हो गया है टोटल पूरा का पूरा यहाँ पर, और इसमें ऑपरेशन चल भी रहा है ना, और ये अंदर से बाहर जो है बाहर आया। ओके, अंदर से बाहर जो है बाहर आया, और ये हमारा हेड स्टॉक है, जो इतना बड़ा माउंटेड दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारा हेड स्टॉक मौजूद है यहाँ पर, इसमें ऑपरेशन चल रहा है। आप देखिए, ये है पूरा स्पिंडल मैकेनिज्म। ये देखिए, ये बार लगी हुई है, लंबी सी बार यहाँ पर लगी हुई है ना, और हेड स्टॉक के अंदर से आर पार हो रहा है। ये हमारा एक मिनट, ये हमारा पुले है, ठीक है, पुले है जो बैलेंस करने का काम कर रहा है अंदर में। ये हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक के अंदर से आना जाना कर रहा है। ये स्पिंडल है यहाँ पर, अब देखिए वो टूल जो पहले कट रहा था ना, वो कट के निकल चुका है, अब यहाँ पे फिर ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ इसमें फिर ऑपरेशन हो रहा है। लगातार कूलेंट का बहाव इसमें दिया जा रहा है ताकि प्रोडक्ट जो है हमारा जो प्रोडक्ट है वो गर्म नहीं होना चाहिए है ना, और जो चिप है आसपास के वो बह करके चले जाने चाहिए, तो जो कटिंग एरिया वहां पर चिप मौजूद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फिनिशिंग ऑपरेशन हो रहा है, कंटिन्यूअसली कटिंग फ्लूइड यहाँ पे डाला जा रहा है। देखिए, दूध के फॉर्म में है ये, दूध का ये एक्चुअल में दूध नहीं है, ये पानी और तेल का मिश्रण है, आपस में पानी और तेल का मिश्रण। देखिए, ये हमारा पूरा जॉब का साइज है, इसको इतने में चेंज किया गया, ये फिनिश गुड है। अब यहां से इसको कट कर दिया जाएगा, यहां से ये कट कर दिया जाएगा, देखिए कट कर दिया गया। फिर अब पीछे से उसको पुले जो है उसको पुश करेगा, स्लीव जो है उसको पुश करेगा। अब ये देखिए ओपन हो गया यहाँ पर, अब यहाँ पे फिर से एक बार आ गया है, इस बार के ऊपर ऑपरेशन होना शुरू हो गया है, कटिंग ऑपरेशन शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये है हमारा बार फीडिंग मैकेनिज्म, इसके बारे में अगर हम लिखना चाहें तो ये देखिए, फिर ये भी पार्ट आ गया अपने पास में बन के, वहां से उसको कट कर दिया जाएगा। ओके, तो इस तरह का वीडियो आप लोग भी देखते रहिए, देखते रहे कीजिए, इससे हमको और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है। तो बार फीडिंग मैकेनिज्म के बारे में हम आगे क्या लिखेंगे, इसकी वर्किंग मैं आपको बता देती हूँ एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करके। डायग्राम तो आपके सामने में है ही, क्यों है वो भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। डी एक मिनट, दी रोटेटिंग स्लीव, इसका नोट से ये आप लोग लिख लीजिएगा है ना, मैं लिख रही हूं यहां पे, माउंटेड ऑन द गाइड बार कैरीज द रियर एंड ऑफ द स्टॉक बार, द अदर एंड ऑफ द बार स्टॉक पासेस through the spindle to project outside the collet। अभी collet क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी है ना, collet चक, नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। Under the action of
वायर, रोप एंड वेट, दी स्लीव एंड दी बार स्टॉक हैव अ टेंडेंसी टू मूव राइट, दैट इज टूवर्ड्स दी हेड स्टॉक एंड दस आउट फ्रॉम दी कॉलेट चक। कॉलेट चक कुछ नहीं, कॉलेट चक एक तरह का चक होता है, वो मैं पढ़ाऊंगी आपको। ये टूल होल्डिंग, वर्क होल्डिंग डिवाइस होता है। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बताया आप लोगों को कि ये है हमारा रोटेटिंग स्लीव। ये रोटेटिंग स्लीव की मदद से हम बार को होल्ड करते हैं। ठीक है, और ये जो वेट और पुले लगा हुआ है, इस वेट और पुले की मदद से हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड मोमेंट, इसको यहाँ पे ये जो हमारा हेडस्टॉक है, हेडस्टॉक के अंदर में हम इसको फीड करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। आफ्टर दी फिनिश्ड ऑपरेशन पीस हैज बीन पार्टेड ऑफ द चक ओपन्स एंड दस द बार स्टॉक ऑटोमैटिकली मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, जब होने के बाद में पूरा ऑपरेशन उसमें खत्म हो जाने के बाद में क्या होता है, उसको काट दिया जाता है और चक ओपन हो जाता है। जैसे ही चक ओपन होता है, चक का मौजूद होता है यहां पर मौजूद होता है, ये चक जो है ओपन हो जाता है, तो इसको हम लोग, ये जो बार है इसको हम आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं, स्लीव जो है घूम जाता है वेट की वजह से। ठीक है, यहाँ पे हल्का पड़ गया है ना, पहले दबा के रखा हुआ था, ये हल्का पड़ गया तो यहाँ से ये नीचे आता है, ये ऐसा गोल घूम गोल घूमता है और ये स्लीव घूम करके उसको आगे धकेलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बार फीड मैकेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, टूल होल्डिंग डिवाइसेस। अब ये क्या चीज है, देखिए अलग अलग प्रकार का टूल है, लेथ का टर्निंग का टूल अलग है और नर्लिंग ऑपरेशन का टूल अलग है, सरफेस फिनिशिंग का टूल अलग होगा और उसी प्रकार से ड्रिलिंग का टूल अलग होता है। तो जैसे अलग अलग प्रकार के टूल है, वैसे वैसे टूल को पकड़ने का जो औजार होता है, जो सांचा होता है, वो भी अलग अलग ही होता है ना। तो टूल होल्डर, तो इसके इसीलिए हमको ये टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है, टूल होल्डिंग डिवाइसेस। तो टूल होल्डिंग डिवाइसेस क्या होता है, ये कहाँ पर लगाया जाता है, सबसे पहले तो टूल होल्डिंग डिवाइसेस कहाँ पर लगाया जाएगा, जाहिर सी बात है इसको लगाया जाएगा टूल पोस्ट पर। ठीक है, टूल पोस्ट के ऊपर में टूल होल्डिंग डिवाइसेस को लगाया जाता है। ठीक है, और ये जो टूल होल्डर्स होते हैं, टूल होल्डर्स यूज, इनका काम क्या होता है, यूज टू क्लैंप वेरियस टाइप ऑफ सिंगल पॉइंट टूल्स। क्लैंप मतलब पकड़ के रखना,
किया जाता है, टूल होल्डिंग डिवाइसेस को टूल पोस्ट के ऊपर लगाया जाता है, और ये जो टूल होल्डर्स होते हैं इनका काम होता है किसी भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो कि टरेट में यूज होने वाला है उसको पकड़ करके रखना। ठीक है, तो इसके लिए इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, आजकल बहुत प्रकार के चार्जर आते हैं, है ना, तो जैसा जैसा चार्जर वैसा वैसा उसका अडाप्टर होता है, जैसा जैसा मोबाइल है उसका वैसे वैसे अडाप्टर होता है, डीसी को एसी में चेंज करने वाला अडाप्टर, है ना। उसी प्रकार से क्या होता है, जैसा जैसा टूल होता है वैसा वैसा उसका टूल होल्डर होता है ना। अगर हमको ड्रिलिंग मशीन का अगर अलग टूल होल्डर होगा, है ना, रीमिंग ऑपरेशन का अलग टूल होल्डर होगा, और तो उसको हम क्या कहेंगे, इस उसको भी हम यहाँ पर अडाप्टर्स बोलते हैं, है ना, स्पेशल अडाप्टर्स, स्पेशल अडाप्टर्स आर अवेलेबल टू होल्ड थ्री। अब तीन से चार टूल लगाना है तो ऐसे ऐसे अडाप्टर आते हैं जिसमें तीन से चार हम टूल को फिक्स कर सकते हैं, फोर टूल्स फॉर परफॉर्मिंग एक मिनट, परफॉर्मिंग की स्पेलिंग गलत है, फॉर परफॉर्मिंग थ्री और फोर ऑपरेशंस। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने थ्री पिन वाला वो देखा है ना, जिसमें सबके घरों में होता है, बिजली में हम यूज करते हैं, जैसे प्लग होता है, प्लग को अगर हम घर में माउंट करते हैं डायरेक्टली ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो सिर्फ आप एक कर सकते हैं, मगर उसका अडाप्टर आता है जिसमें एक से ज्यादा प्लग को हम माउंट कर सकते हैं, तो वो एक प्रकार का अडाप्टर है जिसमें हम तीन से चार पिन लगा सकते हैं, है ना। तो वैसे ही इसमें भी टूल होल्डिंग डिवाइसेस में भी ऐसे ऐसे अडाप्टर अवेलेबल होते हैं जिसमें एक से ज्यादा टूल को माउंट किया जा सकता है ताकि एक से ज्यादा ऑपरेशन एक साथ किया जा सके। ठीक है, तो ये होता है हमारा टूल होल्डिंग डिवाइसेस के बारे में। वैसे होता है हमारे पास वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट टॉपिक, जॉब को पकड़ने वाला वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। टूल पकड़ने के लिए अलग अलग चीज चाहिए, तो वैसे जॉब को पकड़ने के लिए भी तो अलग अलग चीज चाहिए ना, तो इसीलिए यहां पर वर्क होल्डिंग डिवाइसेस पढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, सबसे पहले कॉलेट चक, ये एक प्रकार का वर्क होल्डिंग डिवाइसेस है ना, ताकि हम इसमें हैवी कट कर सकें, इजी और क्विक ऑपरेशन हो सके, एक्यूरेट ऑपरेशन हो सके, इसलिए अलग अलग वर्क को पकड़ने के लिए अलग अलग प्रकार का चक जो है यूज किया जाता है। तो उसी जैसे कॉलेट चक होता है ना, वैसे ही होता है जॉ चक, उसी प्रकार का होता है आर्बर, और होता है फिक्स्चर्स। ठीक है, अब कॉलेज चक में क्या होता है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले कॉलेज चक, इसको जानना जरूरी है, इसकी छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूं मैं, अगर बन सके तो। कॉलेज चक में होता क्या है, कॉलेट चक दो प्रकार का होता है, पहला तो ये जो मैं डायग्राम बनाने जा रही हूं सिंपल सा, हाँ।
इसको आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है ये। ये सेक्शनल व्यू है कॉलेज चक्र, गोल आकार में होता है ये, और ये जो यहाँ से यहाँ तक एंगल जो होता है वो रहता है 30 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो चक है ये ट्यूब, जो ट्यूबलर बार होता है ना, ट्यूबलर बार, ट्यूब के साइज का बार, उसको होल्ड करने के काम आता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये टेपर है ना, तो जब यहां पर ये, अगर मान लीजिए ये बार है हमारा, अगर ये बार है तो जब ये अंदर की तरफ होता है ना, तो क्या होता है, ये जो गैप रहता है ये इसको, ये जो क्लैंप है, ये क्लैंप इसको पकड़ करके रखता है ना, पकड़ करके अच्छे से रखता है, और ये जो, ये वाला जो पोर्शन है ये इसको पुश करता है ताकि इसमें क्लैंपिंग हो सके। इसके अंदर में इंसर्ट किया हम लोगों ने, ये जॉ है, पूरा का पूरा जॉ है ना, ये कॉलेट है और चक है। चक के अंदर में जैसे हम लोगों ने बार को अंदर ठूसा, बोलना चाहिए, अंदर जैसे ही घुसाया है ना, तो क्या होता है, ये जो जगह रहती है ये एक्सपेंड हो जाती है, और ये इस तरफ जाता है पोर्शन, और ये इस तरफ आता है, ये वाला जो जगह दिख रहा है ना, ये इस तरफ आता है और ये ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, और फिर ये ऊपर की तरफ जाता है, ये इस तरफ जाता है, तो ये वाला जो पोर्शन है, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है, तो ये वाला जो इसको दबाने की कोशिश करता है ना, फिर ये पोजिशन इक्विलिब्रियम में आ जाती है और इसको क्लैंप करने में मदद करती है, इस वाले पूरे पोर्शन को क्लैंप करने में मदद करती। तो एक प्रकार का ये कॉलेट चक हो गया। दूसरे प्रकार का कॉलेट चक होता है, उसकी डायग्राम थोड़ा सा अलग है, ये ऐसा इन्वर्टेड रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह का दूसरे प्रकार का कॉलेट चक। इसमें क्या होता है, यहां पर जब हम लोगों ने अपने बार को इंसर्ट किया, ये मान लीजिए हम लोगों ने बार को इंसर्ट किया, ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बार को इंसर्ट किया, तो क्या होता है, ये पहले इसका मुंह जो है इस तरफ से बंद रहता है, ये ऐसा बंद रहता है, फिर इसकी वजह से, बार की वजह से ये खुल जाता है। ठीक है, जब खुल जाता है तो ये क्या करता है, बार की वजह से ये वाला जो पोर्शन रहता है ये इसको ऊपर की तरफ ढकेलने ढकेलता है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ ढकेलता है, तो ये वाला पोर्शन इसको वापस नीचे की तरफ ढकेलता है, उसी प्रकार से ये नीचे की तरफ ढकेलता है तो ये वाला पोर्शन इसको ऊपर की तरफ ढकेलता है, तो इस तरह से इक्विलिब्रियम जब फोर्स में आता है तो इसको पकड़ करके रखता है, तो ये होता है कॉलेट चक, है ना। आप लोगों ने उसमें देखा भी, अभी मैंने जब बार फीडिंग मैकेनिज्म में दिखाया उसमें भी कॉलेट चक मौजूद है, ठीक है, जो खुलता और बंद होता है आपस में। तो ये हो गया एक प्रकार का हमारा टूल वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। दूसरा है, सेकेंड वन इज जॉ चक। जॉ चक्स क्या होते हैं,
जॉचक आप लोगों ने देखा है, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी। थ्री जॉचक जो हमारे पास मौजूद है कॉलेज में भी, फोर जॉचक भी होता है, एक फोर जॉचक भी है हमारे पास में, ठीक है। फिर इसमें एक पावर चक भी आता है, ठीक है। थ्री जॉचक टू फोर जॉचक को अपने को सेट करना पड़ता है अलग अलग, पावर चक में अपने ऑटोमेटिकली हो जाता है सेट, ठीक है। थर्ड जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अबाउट आर्बर्स। आर्बर का जो रहता है वो आर्बर का इस्तेमाल होता है हमारा स्मॉल वर्क पीसेस के लिए। आर्बर का इस्तेमाल होता है स्मॉल वर्क पीसेस बनाने के लिए, ठीक है, फॉर एक्यूरेट ड्रिल, यू कैन से ड्रिलिंग ऑपरेशन, एक्यूरेट ड्रिलिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। थ्रेड टाइप, अपने इसमें भी बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल है, थ्रेडेड टाइप भी मिलता है ये, और एक्सपेंडेड टाइप भी मिलता है। इसके डायग्राम्स आप लोग नेट से देखेंगे। फोर्थ जो हमको यूज करना है दैट इज अबाउट फिक्सचर्स, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। फिक्सचर क्या होता है? सांचा होता है, ये भी एक तरह का मैंने बताया, स्पेशल फिक्सचर्स है ना, फॉर होल्डिंग जॉब्स यूज किया जाता है, विच कैन नॉट बी होल्डेड बाय कॉलेट, जॉ और आर्बर्स। फिक्सचर क्या होता है? कुछ इस ऐसे टाइप के जॉब्स होते हैं, ऐसे टाइप के शेप्स होते हैं जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड जो कॉलेट और जॉ और आर्बर्स का होता है उसमें फिट नहीं बैठते, तो हमको क्या करना पड़ता है, उनके लिए अलग से एक सांचा बना करके जॉब को होल्ड करने के लिए एक सांचा बनाना पड़ता है ताकि हम उसको होल्ड कर पाए। तो हर एक जॉब का एक फिक्सचर होता है, ठीक है, एक अलग, एक कॉम्प्लेक्स जॉब का एक अलग टाइप का फिक्सचर बनाया जाता है, ठीक है। तो उस फिक्सचर में सिर्फ उसी जॉब को फिक्स कर सकते हैं, और ओवर वो अगर वो जॉब हमारा बन करके फिनिश हो गया तो उसके बाद हम उसका कोई भी इस्तेमाल दोबारा नहीं कर सकते उस फिक्सचर का, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था, नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू विथ आवर अपकमिंग टॉपिक इंडेक्सिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडेक्सिंग हम पढ़ेंगे कि टूल चेंज कैसे किया जाता है ना, इंडेक्सिंग हम पढ़ेंगे और ऑटोमेटिक लेथ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। चलिए आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।